हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश और लैंडस्लाइड ने काफी तबाही मचाई। हिमाचल में 9,000 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए, 11,000 लोगों ने पलायन किया, जबकि 330 लोगों की जान चली गई। यही वजह है कि लोग अब घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। इनके घरों में दरारें आ गई हैं और नीचे की मिट्टी बह गई। किसी भी वक्त घर गिर सकता है। कुछ लोगों ने प्रदेश ही छोड़ दिया। वहीं राज्य में 12 में से 11 जिलों में 857 सड़कें बंद हैं, 4,285 ट्रांसफार्मर और 889 जल आपूर्ति योजनाएं रुकी हुई हैं। बारिश, बाढ़, फ्लैश फ्लड व जमीन धंसने से 10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का नुकसान आका गया है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश सहित देश के 17 राज्यों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया है। उधर दिल्ली में भी शनिवार सुबह तेज बारिश हुई। पंजाब के 7 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। फिरोजपुर जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित चेक पोस्ट पूरी तरह पानी में डूब गई। यहाँ से 50 के करीब किसानों को निकाला गया है।